आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी गुड वाइब्स का एक्टिवेटेड चारकोल स्किन एक्सफोलिएटिंग स्क्रब। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। आपके साथ शेयर करूंगी गुड वाइब्स का एक्टिवेटेड चारकोल स्किन एक्सफोलिएटिंग स्क्रब, जिसकी क्वांटिटी आपको मिलती है 50 ग्राम। नो पैराबेंस, नो सल्फेट्स, क्रुएल्टी फ्री। 50 ग्राम प्रोडक्ट मिलता है आपको 195 रुपीस में। साथ में आपको कस्टमर केयर नंबर भी मिलता है और ये कुछ इस तरीके के टब पैकेजिंग में आपको रिसीव होता है और इसके साथ गोल्डन कलर की कैप दी गई है। ओपन करने के बाद साथ में एक और कैप आपको दिया जाएगा इसकी सेफ्टी के लिए, ताकि क्रीम बाहर ना आए। अगर इस टेक्सचर की बात करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का टेक्सचर रिसीव होता है क्रीम का। आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा थिक होता है, बहुत ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर है इसका। और इसकी फ्रेग्रेंस, इसकी खुशबू जो है वो बहुत ही ज़्यादा माइल्ड है, सूथिंग है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, इन सब के बाय लिंक्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेंशन कर दूंगी। आप वहाँ से जाके बाय कर सकते हो, ताकि आपको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, साथ ही में आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको इस वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, इसको टच करने से आप मेरे चैनल से जुड़ जाएंगे। आपको सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करने के बाद एक फिर से बेल बटन मिलेगा, उसको ऑल पर क्लिक करने से आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन, यानी मेरी वीडियो का हर मेरे आने वाले वीडियोज़ का मैसेज आपको मिलता रहेगा। तो चलो, आज की वीडियो में हम आपको सिखाते हैं कि सही तरीके से स्क्रबिंग कैसे करना है। रुकिए रुकिए, एक मिनट। सबसे पहले मैं आपको स्क्रब के बारे में एक चीज़ बता दूँ, इसको मेल और फीमेल दोनों भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फेस वॉश कर लेंगे। यहाँ पर गुड वाइब्स का एक्टिवेटेड चारकोल डीप क्लींजिंग फेस वॉश यूज़ करती हूँ। आप जो भी यूज़ करना चाहो यूज़ कर सकते हो। मेरी ऑयली स्किन है, इसीलिए मैं इस फेस वॉश को यूज़ करती हूँ, चारकोल फेस वॉश को। अगर आप इसके हटके कोई और फेस वॉश यूज़ करना चाहते हो तो गुड वाइब्स का ही एक पपाया फेस वॉश करके आता है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। मैं अपने फेस को धुल के आती हूँ। इसके बाद आपके ड्राई स्किन है तो आप स्टीम लीजिए, अगर ऑयली स्किन है तो ना भी लेंगे तो भी चलेगा। इसके बाद आपको अपने फेस के हिसाब से क्वांटिटी लेनी है। सबसे पहले अपने हाथों को गीला कर लें। जैसे जैसे स्टेप्स मैं कर रही हूँ, आपको भी वैसे वैसे स्टेप्स लेने हैं। हाथ को गीला करते जाना है। आपको अपने नोज की इस साइड पर भी अच्छे से मसाज करना है और आपको हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में मसाज करना है। तो माइल्ड होने की वजह से, सॉफ्ट पार्टिकल्स होने की वजह से मुझे मेरे फेस पे चुभ नहीं रहे हैं, बहुत ही सॉफ्ट महसूस हो रहा है। इसके पार्टिकल्स ज़्यादा हार्श नहीं है। इस स्क्रब का जो क्रीम का जो टेक्सचर है वो क्रीमी होने की वजह से मुझे स्मूथ फील हो रहा है। बीच बीच में हाथों को गीला करते जाना है, फिर ऐसे रब करना है, तरीके से रब करके मसाज करना है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा ड्राई है और आपकी स्किन पर पिंपल्स हैं तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्क्रब है। वैसे मैं आपको बोल दूँ, ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल स्क्रब है। ये बहुत ही माइल्ड है, इसको लगाने में ये महसूस हो रहा है कि इससे आपकी स्किन हार्श नहीं होगी, क्रैक्स नहीं आएंगे, आपकी स्किन सॉफ्ट रहेगी, स्मूथली काम कर रहा है। स्किन पर इसके पार्टिकल्स हार्श नहीं है, बहुत ही ज़्यादा फाइन है, स्मूथ है। ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स के इशू को भी कम करता है। अब जो मैं स्टेप लेने वाली हूँ, उस स्टेप को आपको अपर डायरेक्शन में मसाज करना है, कुछ इस तरीके से। छः से आठ मिनट तक ही इसका मसाज करना है। इसको सिर्फ और सिर्फ पानी से ही वॉश करना है, फेस वॉश यूज़ नहीं करना है, सोप यूज़ करना नहीं है, कोई भी चीज़ यूज़ करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल वाटर से आपको अपने फेस को धो लेना है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ पानी से अपना चेहरा धुल के आती हूँ।
इसको यूज़ करने के बाद स्किन डीपली मॉइस्चराइज रहती है, अच्छा लग रहा है, स्मूथ फील हो रहा है। स्किन पर हाथ लगाने के बाद ना कोई भी खुरदुरापन या फिर दाने दाने महसूस नहीं हो रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि मेरी स्किन पर कुछ दाने निकले हुए हैं। पहले मेरे फेस पर ना पिंपल्स के छोटे छोटे से 2-4 से दाने थे, लेकिन वो अब नज़र नहीं आ रहे हैं और महसूस भी नहीं हो रहे हैं, शायद निकल गए स्क्रबिंग की वजह से। मैंने सिर्फ पानी से अपना चेहरा धो लिया है। फेस को पानी से धोने के बाद अगर आपके पास रोज़ वाटर है तो आप स्प्रे कर लें, मेरे पास रोज़ वाटर है, मैं स्प्रे कर रही हूँ। वाओ, इन गर्मियों में रोज़ की स्मेल, मतलब धीमी धीमी सी स्मेल्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है यूज़ करने में चेहरे पे। बाद एक इम्पॉर्टेंट स्टेप आता है, अपने फेस को मॉइस्चराइज़ करना। तो आप देखो, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप क्रीम बेस का मॉइस्चराइज़र यूज़ करें, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप जेल बेस वाला मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। रोज़ वाटर अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो मैं यूज़ कर रही हूँ, फेस को ना थोड़ा सा मॉइस्चराइज़ करने के लिए मैं यहाँ पर एलोवेरा लेमन सॉफ्टिंग रेडियंस जेल बेस क्रीम यूज़ कर रही हूँ। देखो अभी इस टाइम पर गर्मियाँ चल रही है, अगर गर्मियों में भी आपकी स्किन ड्राई रहती है तो आप क्रीम बेस का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। मेरी स्किन ऑयली है और गर्मियाँ चल रही है, गर्मियाँ शुरू हो चुकी है, तो मैं यहाँ पर जेल बेस का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की है, ठीक है। कुछ आने वाले टाइम में आपको मैं इसका भी रिव्यू दे दूँगी। कूल होता है, ठंडा ठंडा सा लगता है, देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी। गुड वाइब्स के प्रोडक्ट्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। कोई भी मॉइस्चराइज यूज करो या फिर जेल, थोड़ा सा मसाज दे देना अपने फेस को। और हाँ, आपको एक और बात बोलना चाहूंगी, मैंने स्क्रब वीडियो बड़ी ना हो इसीलिए फेस पर और थोड़ा सा नेक पर यूज किया है। ऑफ कैमरा जब मैं अपना स्क्रबिंग करती हूँ तो अच्छे से नेक पे, बैक नेक पे, ईयर्स पे, जहाँ मुझे ज़रूरी लगता है मैं वहाँ पर अपना स्क्रबिंग करती हूँ। और साथ में मैं अपने एंडिंग में जो मेरे हाथों में जो स्क्रब की क्वांटिटी रह जाती है उससे मैं अपने हाथों को इस तरीके से स्क्रब कर लेती हूँ। मैंने एवरयूथ का स्क्रब रिव्यू भी आपके साथ शेयर किया था, तो उसमें मैंने डिटेल्स में वीडियो बनाया है, बहुत अच्छा वीडियो है, आप चाहो तो उसको भी जाके देख सकते हो। यहाँ पर आई बटन पर आपको मिल जाएगा, अगर आप देखना चाहते हो तो जाके देख सकते हो। आई होप आपने सीख लिया होगा कि सही तरीके से स्क्रबिंग कैसे करते हैं। इसका ज़्यादा कुछ प्रोसेस नहीं होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा माइल्ड है, इसीलिए आपको ज़्यादा अलर्ट करना नहीं पड़ रहा है इस वीडियो में कि इसको ऐसे नहीं करना है, इसको वैसे नहीं करना है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो है वो बहुत ज़्यादा हार्श नहीं है, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं है। इसीलिए आज की वीडियो में मुझे आपको सिखाना आसान हो चुका है। लास्ट टाइम पर मैंने एवरयूथ का स्क्रब आपके साथ शेयर किया था, जी हाँ, तो उस वीडियो को मुझे बहुत ज़्यादा बड़ी करना पड़ा था और उसमें मैंने स्टेप्स भी आपको बहुत अच्छे तरीके से दिखाए हैं। इस वीडियो में मैंने स्क्रबिंग के स्टेप्स जो है वो बहुत ही जल्दी मैं आपको दिखा दिया है, कम स्टेप्स मैंने आपको दिखाए हैं क्योंकि मैंने उस वीडियो में डिटेल्स में आपके साथ शेयर किया था, इसलिए मैं नहीं चाहती हूं कि मेरा हर वीडियो बड़ा जाए और आपको समझाने के चक्कर में मेरे वीडियोस बड़े चले जाते हैं, इसीलिए मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। पता नहीं आपको कैसा लगता होगा। स्क्रबिंग का तरीका आपने देख ही लिया है और गाइस, इनके इंग्रेडिएंट्स की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही मज़े के इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं, हमारी स्किन के लिए बेहतर होते हैं वो इंग्रेडिएंट्स इन्होंने मिलाए हैं। कुछ इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ, आपको इसमें मिलेगा ग्लिसरीन और विटामिन ई, पैंथनॉल, ऑलिव ऑयल, इसके अलावा लेमन एक्सट्रैक्ट्स, आपको इसमें बहुत ही सारे इंग्रेडिएंट्स मेंशन मिलेंगे जो कि हमारी स्किन के लिए ज़रूरी होते हैं एक स्क्रब करने के लिए। दोस्तों, मुझे पहली बार एक ऐसा स्क्रब मिला है जो कि मैं आपको बोल सकती हूँ कि अगर आपको पिंपल्स हैं, आपकी स्किन सेंसिटिव है, ऑयली है, ड्राई है, ऑल स्किन टाइप्स के लिए आप बेफिक्र होकर इसको यूज़ कर सकते हैं। इन सभी के बाय लिंक्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से जाके बाय कर सकते हो। सो गाइस, आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना, अब दीजिए इजाजत, मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गेटिंग टू ए गुड लाइफस्टाइल एंड चेंज योर लाइफ। बाय बाय गाइस, बाय बाय।